देखो जब मैं बोलती हूँ ना कि इंटरनेट इज अ वियर्ड प्लेस, तो उस बात को ना मान लो, क्योंकि वो है भाई सच में. रिसेंटली आई केम अक्रॉस सम रियली वियर्ड लिपस्टिक्स ऑन द इंटरनेट, स्पेशली ऑन मीशो, एंड उसको देख के मेरे को लगा कि भाई साहब हमने कितनी ही एडवांसमेंट कर ली है यार इस प्लैनेट अर्थ पे. तो आज हम वो सब ट्राई करेंगे एंड मैं तुम्हें भी दिखाऊंगी, क्योंकि दैट्स व्हाट यू सब्सक्राइब फॉर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले है हमारे पास बच्चों को पागल बनाने वाली एक लॉलीपॉप. इसको बहुत ही इजी है ओपन करना, लाइक दिस. ओके यार, ये बहुत ही ज्यादा कूल लग रही है, बट यू कैन नॉट ईट इट. ये एक लिप बाम या लिपस्टिक कुछ है यहाँ पे दे रखा है इन्होंने ओपन करने का. मुझे लगा ये इजी होगा, ये बच्चों का खेल होगा, बट नहीं, तुम्हें जिम जाना पड़ेगा इसके लिए. हाउ डू यू डू इट? भैया नहीं खुल रहा, यहाँ से खुलेगा, दूसरी साइड से खुलना था. माई बैड, आई एम सो सॉरी. ये कितना सही लग रहा है, ऐसे की जादुई छड़ी लग रही है. टडिंग, मस्त खुशबू है यार, ऐसे फ्रूटी क्रेयोन की खुशबू आ रही है. तो ये है हमारे पास ब्लू लिप बाम, एंड इसे लगाते हैं. बहुत ही वियर्ड लग रहा है मुझे इसे लगाते हुए, क्योंकि दिस थिंग इज ऑल्सो देयर जो कि मेरे को अड़ेगा लगाते हुए, बट ठीक है. ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, वाओ कितना सही है यार. आई लव लिप बाम्स एंड लिप ग्लॉसेस, यू नो, लाइक लिप प्रोडक्ट्स इन जनरल. क्या तुम रेडी भी नहीं हो ना, एक मस्सी लिपस्टिक या लिप बाम लगा लो तो वो एक मस्सी फीलिंग देती है. आई डोंट नो इफ दैट्स जस्ट विद मी, बट आई जस्ट लव डूइंग दैट, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. ये मेरे को 200 रुपए का पड़ा है, बट तुम्हें क्या लगा कि ये यहीं पे खत्म हो गया इसका प्रोडक्ट? नहीं, यहाँ पे भी कुछ है. जो इसकी स्टिक है ना, ये है एक लिप ग्लॉस. सी, मैजिक, 2-in-1 प्रोडक्ट है एंड मस्त यार. तो इन ग्लॉसी लिप्स को और ग्लॉसी, यार भाई साहब बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली फ्रूटी खुशबू है इसकी, लाइक मिक्स फ्रूट वाइब. लेट्स अप्लाई. क्या सही ग्लॉस दे रहा है, और ये बहुत लाइट वेट है, लाइक बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि लिप बाम के ऊपर कुछ लगाया मैंने जस्ट अभी, एंड एक ही बार में सारा लग गया. मेरे को दोबारा प्रोडक्ट लेना भी नहीं पड़ा यही सब. बहुत ही सही लग रहा है ये तो. लिप ग्लॉसेस लगाने मैंने ना वैसे छोड़ दिया, क्योंकि बाहर जाओ ना सारे बाल चिपक जाते हैं, बट घर पे तो सुंदर बन के बैठ सकते हैं ना. आई मीन व्हाई नॉट, जरूरी थोड़ा रीजन ही चाहिए कुछ. बस वैसे ये दोनों चीजें ट्रांसपेरेंट लग रही थी, बट अब जब मैंने हटा दिया ना तो हल्का सा पिंक टिंट भी निकला है, तो या तुम्हें ये भी मिलेगा. देखो वैसे तो सब लोग कहते हैं कि हमें डे ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम डे लिपस्टिक जरूर लगा सकते हैं. ये है हमारे पास वाइन बॉटल में लिप टिंट. मुझे लगा था कि थोड़ी सी बड़ी आएगी, बट ये बहुत ही ज्यादा छोटी है. लिटरली ऐसा लग रहा है इसमें छेद करके मैं इयर रिंग्स पहन सकती हूँ. ओह दिस लुक्स नाइस, आई शुड बी पेड मोर. भावनाओं में नहीं बहता है, इसे ट्राई करते हैं. ओके, बहुत ही आराम से खुल गई लाइक दिस. उसका ब्रश कितना अच्छा है. ओह माई गॉड, कैन यू सी हियर, इसके छोटे छोटे से ये चीज़ें निकली हुई हैं पूरे एप्लीकेटर पे, इवन इस ब्रश पे भी. सी, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट नहीं अच्छा लग रहा, बट प्रोडक्ट आ गया, अब अप्लाई करते हैं. ओह गॉड, सारा प्रोडक्ट एक साथ ही लग गया, कुछ भी नहीं बचा, इसी को फैलाना पड़ेगा. ये बहुत डार्क है यार, इट्स वेरी पिगमेंटेड, इट्स लाइक मरून लिपस्टिक नॉट टिंट. तो इतना ही छोड़ते हैं इसको, यू नो, स्प्रेड आउट कर लेते हैं. क्रिकेट यार को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत थिक है लेकिन वॉटरी है. आई नो कोई सेंस नहीं बन रही है, बट इसको लगा के यही फील हो रहा है. इसकी स्मेल बहुत गंदी है, मेरे को पहले नहीं रियलाइज हुआ, बट अभी एकदम से बहुत ज़्यादा स्मेल आई. ये ऐसा लग रहा है, कुछ स्टिक नहीं हो रहे हैं लिप्स, लाइट ही फील हो रहा है. इस जस्ट की लगाते हुए इसका जो टेक्स्चर है ना, इट्स वेरी वियर्ड, प्लस ये बहुत गंदा स्मेल कर रहा है, और ये 171 रुपीज़ के, कैन यू बिलीव इट. वैसा ये हट भी नहीं रही, मुझे ये चीज़ें बहुत डर लगता है यार, ये तो परमानेंट लग गई है मुझे लग रहा है. व्हाट द हेल, आई गेस इतना ठीक लग रहा है. ऑल्सो और प्रोडक्ट्स ट्राई करने से पहले, टुडेज वीडियो इज पॉसिबल बाय NYBay एंड दे हैव सेंड मी देयर ब्यूटीफुल शेड्स ऑफ क्रेम ब्लशेस टू ट्राई आउट फॉर यू गाइस. यार ये कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, आई रियली लव दिस वन, इट्स इन शेड चर्पी पीच. रियली लव द पैकेजिंग, इट्स सो कॉम्पैक्ट एंड ट्रैवल फ्रेंडली. जस्ट अप्लाई फ्यू डॉट्स ऑन योर चीक्स, लिप्स और आईज विद योर फिंगर्स फॉर दैट परफेक्ट नो मेकअप मेकअप लुक. It has a creamy texture with dewy finish. It is definitely more pigmented than powder blushes and is more hydrating and blendable. Best thing is it can be used for both dry and oily skin. For oily skin, layer it with powder blush to make it last longer. You can also use it around your nose and cheeks for a sun-kissed look. Or simply use it as a color corrector by using petroleum jelly with blush under your eyes to lighten dark circles, or mix it with your highlighter for a fresh, glowing and clean minimal look.
so many things you can do with just one product, and it's priced at only ₹249. And I have linked these down in the description box for you to check out. So do check out. हम अपनी गलियों में वापस आ चुके हैं और नेक्स्ट है हमारे पास ये चीज और इसके पीछे ना प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है मिस फेरी हिप लिफ्टिंग. हिप लिफ्टिंग या फिर लिप लिफ्टिंग, आर यू कंफ्यूज माय फ्रेंड? चलो तुम्हें ओपन करते हैं फिर ही समझ में आएगा. ये है क्यूट सी बॉटल एंड इसके अंदर वैसे बहुत इजीली खुल गया ये. इसके अंदर है बहुत ज़्यादा वाले लिपस्टिक्स, जैसे कैप्सूल लग रहे हैं, ये है कैप्सूल लिपस्टिक्स एंड इसकी पैकेजिंग कितनी क्यूट है, इसमें से स्माइली बनी हुई है. वो ये टोटल 16 पीसेज है एंड ये मुझे 380 रुपीज़ के पड़े हैं. ओके एंड अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने तो वैसे पूरा स्वॉच करके दिखा रखा है, सारे ही शेड है इसमें. रैंडमली कुछ ओपन करें, आज आपको कौन सा वाला दवाई लेने का, मतलब कौन सा लिप शेड लगाने का मन कर रहा है. पिंक वाला देखे इसके अंदर क्या निकलेगा. ओके लेट्स ट्राई. ऊपर से तो बहुत ही ऐसे पेस्टली पिंक कलर है, बट खोल के देखते हैं. इतना डार्क मरून कलर, आर यू किडिंग मी? थोड़ा लाइट शेड मिलेगा भैया. ऑरेंज, ये भी सेम है डार्क मरून. इन्होंने मेरे को सेम शेड्स तो नहीं भेज दिए? ओके आई एम स्केयर्ड नाउ फॉर माई मनी. येलो, ये रेड है. इतना कम क्यों निकल रहा है भाई, इसे क्रेयॉन जैसी फीलिंग आ रही है, वैक्स क्रेयॉन्स. ब्राउन, इसके अंदर भी रेड है. पर्पल, सेम रेड. ब्राउन शेड अभी तक कोई नहीं निकला है, मैं बस बता रही हूँ. ग्रीन, ये भी रेड है. ओके सो हमारे पास सिर्फ रेड और मरून शेड आए हैं, वो भी बहुत सारे वाले. तुम्हें चाहिए प्लीज ले लो. ओके लगा के देखते हैं. फाइनली कलर आ गया है. वैसे दिखने में इतना डार्क है बट लगाने के बाद ये नॉर्मल हल्का हल्का सा ही प्यारा शेड दे रहा है. लग तो बहुत ही आराम से रहा है यार ये. इट लुक्स नाइस और ये पता बहुत प्यार से लग गया. लाइक मैं उस बात के लिए बहुत हैप्पी हूँ. इसकी खुशबू पता कॉफी जैसी है. नॉट किडिंग, कॉफी जैसी है. एंड ये लगाते ही ना इसने लाइक थोड़ा सा ग्लॉस या ऑयल भी छोड़ दिया है, तो आई डोंट नो वो अच्छी बात होती है या नहीं, तुम मुझे बताओ. बट ओवरऑल ये ऐसी लग रही है, इट्स अ पास. एक बार रेड शेड भी लगाते हैं. कितने आराम से हट भी गई, बिल्कुल भी मुझे मशक्कत नहीं करनी पड़ी. नाइस एक्सपीरियंस, गुड गुड. रेड, लेट्स डू इट. ये तो बिल्कुल नहीं आ रही है. प्लस मेरे लिप्स ना इधर उधर हो रहे हैं, लाइक ये खींच रही है मेरे लिप्स को और तब भी कलर नहीं निकल रहा है. यू गेट दी आइडिया. प्लस ये ना बहुत ड्राई है एंड ये पूरा क्रेयॉन और वैक्स क्रेयॉन जैसी वाइब दे रहा है मेरे को. या दैट्स द रिव्यू. अब हम रंग भरते हैं अपने होठों में. नाउ इट्स कमिंग आउट बहुत ही ऐसे ऐसे करने के बाद, रब करने के बाद. लग गई है. क्या आपके घर में भी लाइट नहीं आ रही, या फिर आपके घर का सिर्फ बल्ब खराब है? तो अगली बार ट्राई करिए ये प्यारे प्यारे क्यूट कलर वाले बल्ब, इतने ज़्यादा प्रिटी है. इनके अंदर स्टार्स भी है तो अलग ही चमक आएगी. ये लिप ग्लॉसेस है, ये तीन है एंड ये मेरे को 283 रुपीज़ के पड़े हैं टोटल तीन. हाँ ये थोड़ा पीची पिंक है, ये ब्लू है और ये पिंक है. लगा के देखते हैं यार कितना ज़्यादा प्रिटी पैकेजिंग है इसकी. सी छोटे से बल्ब में इतनी मस्त फ्रूटी खुशबू आ रही है. अगेन एक सेकेंड, थोड़ी देर बाद केमिकल में चेंज हो रहा है वो फ्रूटी. आफ्टर 2 सेकेंड्स केमिकल. शैतान, मैंने वैसलीन लगा रखी है क्योंकि अगर मैं वैसलीन नहीं लगाऊंगी तो मेरे लिप्स खराब हो जाएंगे, तो मुझे उसके ऊपर ही चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी. जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. ये कितना अच्छा पिंक शेड भी दे रहा है. कलर चेंजिंग लिप ग्लॉस. सी ये अभी ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल 2 सेकंड बाद इसने कलर चेंज कर लिया. अमेजिंग अमेजिंग ब्रो, इतनी छोटी छोटी चीज़, इतनी प्यारी क्यूट. ऐसा मैं वन कर रहा है, कैच करो, यूज़ करो, ये बहुत ही मस्त है. एक सेकेंड, व्हाट, ग्लॉस हट गया, टिंट अभी भी वही है. ये मेरे को एक के बाद एक सरप्राइज कर रहे हैं, पता है ये छुटकू से प्रोडक्ट्स. तुम बहुत शैतानों में बता रही हूँ. पर्पल वाला लाइट बल्ब लगाने का समय आ चुका है. वूहू, वाह, लाइक आई लाइक एवरी शेड. मतलब मुझे शेड्स में ना अभी फिलहाल कोई भी कंप्लेंट नहीं है अभी तक कुछ भी जो हमने यूज़ किया है. सो या दैट्स अ प्लस पॉइंट. सी द पिगमेंटेशन, कलर चेंज, प्लस इसकी बबल गम जैसी फ्रेग्रेंस है, लाइक डिफरेंट फ्रेग्रेंस है इस वाले की. इट्स लाइक मोर, जो पहले वाटरमेलन वाली बूमर नहीं आती थी वैसा वाला. टेस्ट मत करना. लगे हाथ ब्लू वाला भी यूज़ कर लेता है क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है यार ये डार्क. शिट, ये मेरा परमानेंट ऐसा शेड हो गया है लिप्स का. नहीं हट रहा, नहीं हट रहा, नहीं लाइट हो रहा. क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? ऐसे रहेंगे मेरे लिप्स? क्या खुश हूँ या सैड हूँ? मेरे को लग रहा है एक के बाद एक मैं ग्लॉस लगा रही हूँ ना, जो टिंट है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, वो और परमानेंट होता जा रहा है मेरे लिप्स में. वजह से ज़्यादा ब्लू वन लुक्स लाइक. अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है उसी को और एनहांस कर रहा है ये कलर को. तो इंडिविजुअली मुझे समझ नहीं आ रहा, बट
मस्त लग रहा है, थोड़ा सा हट गया है, मैंने बहुत ज़्यादा रब किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, बट वो नहीं हट रहे थे ना, मैं और भी चीज़ें ट्राई करनी है, तो या नेक्स्ट है हमारे पास अगेन बहुत ही क्यूट पैकेजिंग में कोई चीज़, इसे ओपन करते हैं, एयरपॉड्स, हाँ व्हाट रियली नहीं ये है मैट ग्लॉस, इस पर ये लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारी ऐसे मैट फिनिश वाली पैकेजिंग है, इसे खोलते हैं, मेरे हाथ थोड़े से स्लिपरी हो रहे हैं, लिपस्टिक, मतलब ऐसे लिपस्टिक, मुझे लगा यार ओके सरप्राइज के बाद सरप्राइज आ रहा है, मेरा भी दिमाग थोड़ा सा चलना बंद हो गया है कि ये क्या हो रहा है, इट्स वेरी फन टू यू नो इवन ओपन दीज प्रोडक्ट्स, ये खोलना है एंड इट्स अ लिपस्टिक, आई रियली लव द क्वालिटी, मुझे देख के ही पता चल रहा है कि हाँ ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी हो सकती है, तो देखते हैं, व्हाट अ प्रिटी शेड, वाओ इट्स सो नाइस, आई लव इट, ये मेरे बैग में जा रहा है अभी इसी वक्त, सब मुझे को कहेंगे कि आपके पास ईयरफोन्स या फिर ईयरपॉड्स है, मैं कहूँगी ये लो, एंड फिर वो ये देखेंगे, ऐसे पागल बनाने में कितना मजा आता है, मैं बता रही हूँ, ऐसा अलग ही ना सुकून मिलता है दिन में, आई लव दिस वन, हमारे पास एक और शेड है, रुको कहाँ जा रहे हो लगे हाथ, ये भी ट्राई कर लेते हैं, यार ये कितना सही लग रहा है, इतनी प्यारी प्यारी है, अगर डिब्बी से भी निकाल के रखना तो तुम वैसे भी रख सकते हो अपने पर्स या बैग में, एंड ओह इट्स अ ब्राउन शेड, वो थोड़ा लाइट पीची पिंक शेड था, ये थोड़ा ब्राउन में है, तो दिल खुश हो रहा है मेरा, प्लस इतना क्यूट है ना, लाइक एवरीथिंग इज परफेक्ट अबाउट इट, आई रियली लव इट, एंड ये मेरे को 357 रुपीज़ का पड़ा है, मस्त लग रहा है ये मेरे को बहुत ज़्यादा, सी यार मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा वियर्ड हो रहा है, ये है हमारे पास नेक्स्ट, ये है लिप शेप में लिपस्टिक, एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है हुडा ब्यूटी मैजिक लिपस्टिक, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि हर लोकल प्रोडक्ट मेकअप प्रोडक्ट स्पेशली उस पर हुडा ब्यूटी क्यों लिखते हैं, लाइक ठीक है वो पॉपुलर ब्रांड है बट कुछ और भी तो ब्रांड है, वो उसका नेम भी लिख सकते हैं, बट चलो ठीक है वो तो अलग ही डिबेट हो गई, ये है हमारा प्रोडक्ट एंड इसे खोलते हैं, इसे घुमाना है तो अपेरेंटली इसको बस लगाना है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे अंदर ऐसे, It's weird. I'm telling you, it's weird. Okay, सब अपनी आँखें ढक लो और फिर हम इसे लगाएंगे. Okay, so it's like matte lipstick, but मुझे ये टिंट जैसा लग रहा है. लग गई. लगा तो है. ऐसा लग रहा है मैं आइसक्रीम खा रही हूँ. And yeah, done. Oh यार, मैंने इतना मजाक बनाया इस बेचारी छोटी सी चीज़ का. अच्छा तो लग रहा है. I'm so sorry. Plus ये बहुत हाइड्रेटिंग भी लग रहा है, मॉइस्चराइज लग रहा है. वैसे इन्होंने कहा कि ये मैट है. ओ ये बाहर भी नहीं, हल्का सा तो आ रहा है. तो या इट्स नॉट दैट मैट, इट्स लाइक क्रीमी मैट एंड अच्छा पिगमेंटेशन है, लाइक हल्का डेली में लगाने के लिए ठीक है, बट इसको लगाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है. या दैट विल स्टिल रिमेन द सेम, एंड ये 162 रुपीज़ का पड़ा है, क्वाइट नाइस ना, सही है यार. नेक्स्ट है हमारे पास नाना प्रकार की लिपस्टिक है, लेकिन इसके साथ हमें ना एक फ्री कलोसल काजल भी मिला है, और ये मैं बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा पहले तो यहाँ से निकला हुआ है हल्का सा, प्लस ऊपर से भी इट्स क्वाइट डर्टी, मुझे लग रहा है ये यूज है या फिर काफ़ी बार खोला बंद किया है इसको, आई डोंट नो, बट ये फ्री चीज़ मिली है यार इसके साथ, सही नहीं है. दिस इज़ द प्रोडक्ट, ये मेरे को 122 रुपीज़ का पड़ा है, इस पर भी हुडा ब्यूटी लिखा है, कैन यू बिलीव इट, लाइक सीरियसली, एंड इसमें ना 5 शेड्स हैं, पहले खुले तो फट गया. वो भाई साहब क्या पैकेजिंग है, ये रहे लिपस्टिक्स 5 शेड, वो वाले पेन्स नहीं आते थे कलर चेंजिंग वाले पेन्स, तुम ऐसे करो एंड कलर चेंज हो जाएगा, पेंसिल्स भी आती थी ऐसी, उससे कुछ खुल क्यों नहीं रहा. दिस इज अ शेड, आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है या नहीं, बट अंदर बहुत जमा हुआ है. ओके ये रेड शेड है, इसको यहाँ से ऐसे करके, हाँ मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, अब ये देखो इट्स पूरा डर्टी, चेंज करने के लिए इसको बस नीचे करो एंड ये पुश कर देगा, नेक्स्ट आ जाएगी. इस पर ये लगा हुआ है, ओके आई एम स्केयर्ड फॉर माई लाइफ, मुझको बस यही करने में मज़ा आ रहा है. ये वाला शेड लगाना था मेरे को, इसलिए मैं इतना चेंज कर रही थी, सॉरी गाइज टू कीप यू वेटिंग. ये है प्यारा सा हल्का न्यूडिश ब्राउन कलर, लेट्स अप्लाई. इतना सॉफ्ट है ये, ओ माई गॉड सो सॉफ्ट, प्लस इतना प्यारा कलर आया, सेम ही शेड आया देखो, इतना मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है लिटरली मैं पेंसिल चला रही हूँ अपने लिप्स पे, इट्स सो स्मूथ. इसकी खुशबू अच्छी नहीं है, इसकी खुशबू लिटरल क्रेयॉन्स वाली है, नॉट गोना लाई, बट नाइस. हल्का सा ये वाला शेड थोड़ा ड्राई लग रहा है मेरे को, देखिए बहुत सही है यार, वैसे क्वाइट अफोर्डेबल है ये, 122 के 5 शेड है, मतलब तुम बहुत चला सकते हो यार इसे, एंड कोई भी मन करे कभी भी चेंज कर लो, एक ही साथ एक ही बार में कैरी करना है, 10 जगह जगह उठाने की भी जरूरत नहीं है,
नाइस। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा पीछा यही छोड़ दूंगी? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूब में लिपस्टिक, लिटरली एक पेंट लग रहा है, जैसे पेंट ट्यूब्स नहीं आती, एंड ये है 132 रुपीज का, एंड ये है रोमांटिक बेयर लॉन्ग लास्टिक लिप कलर। वाओ, इस पे तो बड़ा बड़ा वाओ लिखा हुआ है। ओके लेट्स अप्लाई। इसकी पैकिंग तो वैसे बहुत ज्यादा क्यूट है। बेचारा खुलते ही निकल रहा है ये तो। ओके लेट्स अप्लाई। ओह फिंगर्स पे लेना पड़ेगा। ओके इट्स लाइक बहुत ही थिक है ये, इट्स लाइक जेली, थिक जेली। इसको मास्क की तरह लिप्स पे लगा ले। नो, बहुत जल रहा है। ओके नो, मैं नहीं लगा रही, मेरे को बहुत जलन हुई है लगाते ही इसे। नो नो नो, नॉट डूइंग इट। मौसम एकदम से चेंज हो गया, धूप जाके सुंदर बादल आ चुके हैं, लेकिन इसी के साथ हमारी वीडियो भी खत्म होती है। मेरे को बहुत मजा आया, अपार्ट फ्रॉम द लास्ट प्रोडक्ट, मुझे लगाते इतनी तेज बर्निंग सेंसेशन हुई ना, आई वॉज लाइक नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं ट्राई किया हमने, बट बाकी सारे ट्राई करने में एंड अनबॉक्स करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। आई होप कि तुम्हें भी आया हो। तुम्हारा फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा था आज की वीडियो में से, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड इफ यू वांट मी टू ट्राई मोर अतरंगी थिंग्स लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स एज वेल। मैं सब ट्राई कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।